अब हम ये लास्ट ट्यूटोरियल परफॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिका का। कैलकुलस के तकरीबन तमाम ही चीज़ें हम परफॉर्म कर चुके हैं मैथमेटिका पे। अब हम आते हैं इस लास्ट ट्यूटोरियल पे। इस लास्ट ट्यूटोरियल पे हम लीनियर इक्वेशंस के आंसर कंप्यूट करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, जैसा कि क्वाड्रेटिक में सॉल्व लिखकर इनको सॉल्व किया करते थे, तो इसमें भी सॉल्व ही लिखेंगे। और उसके बाद हम अपना ब्रैकेट बनाएंगे और एक कर्ली ब्रैकेट बनेगा सबसे पहले, और उस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके इसमें सारी इक्वेशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है वो लिखी जाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 7z, 2x प्लस 3y माइनस 7z। और उसके बाद इसका आंसर लिखने से पहले, यानी जी कॉस्टू के इस पार्ट जो आंसर है वो लिखने से पहले, और फिर उसके बाद तीसरी इक्वेशन में आएंगे 5x प्लस y माइनस 4z, 5x प्लस y माइनस 4z। ये तीनों इक्वेशन लिखी जा चुकी हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को लिखने के बाद अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि इज इक्वल्स टू, यानी राइट हैंड साइड पे क्या आंसर है। तो डबल इज इक्वल्स टू डालते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इसको ये आंसर बताएंगे 8, 4, 6। ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर हैं। तो ये तीनों इक्वेशन हमने लिख दी हैं, और ये इन तीनों इक्वेशंस को लिखने पर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा जब हम शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। तो हमने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया और इसने हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। इस तरह कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कैलकुलेटर में या मैटलैब में सॉल्व करते हैं वो आप रास्पबेरी पाई में भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिका का ट्यूटोरियल हम एंड करते हैं। इसमें हमने कैलकुलस के सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, प्लॉटिंग की हमने, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, मैट्रिक्स कैलकुलेशन की, लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, उसके अलावा भी 10 ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की। तो रास्पबेरी पाई इज़ केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द ऑपरेशंस विच वी कैन डू इन मैटलैब। तो रास्पबेरी पाई के अंदर ये मैथमेटिकल का सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको बड़ी आसानी से बहुत सारे फंक्शन के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं।